गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं थोड़ा बचा कुचा काम कर रही हूँ। सुबह के 8 o'clock है। वो स्नैक्स का डब्बा में ये नया नया जो स्नैक्स लाई हूँ वो सब प्लेस कर रही हूँ, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर मी टू पिक। एंड दिस इज़ माई फेवरेट। आई वॉन्ट टू फिनिश माई लंच प्रिपरेशन। जो पयर का ग्रेवी है फ्लैट बीन्स का, उसका मैं ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। एंड आई एम गोइंग टू ग्राइंड ऑनियन। अभी मैंने गैस ऑन कर लिया है और आई हैव पुट अ पैन देयर। सो मैंने लिया है अभी थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल और थोड़ा खड़ा मसाला टू गेट द गरम मसाला फ्लेवर। और जो फ्लैट बीन्स और जीरा भी डाला है मैंने, और जो फ्लैट बीन्स है वो ड्राइड फ्लैट बीन्स, उसका ग्रेवी बनाने जा रही हूँ। जो मैंने पीसा है, ग्राइंड किया है ऑनियन पेस्ट, वो अभी मैंने डाला है। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है। वी शुड सॉटे इट टिल द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड कम्प्लीटली, एंड वी शुड वॉच दैट इट शुडंट स्टिक टू द पैन, द बॉटम ऑफ द पैन। सम 4 to 5 minutes थोड़ा सा चिपक गया है, इसलिए मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो चिपकना नहीं चाहिए। मसाला डालने से ऑल भी ड्राई हो जाएगा, इसलिए थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं इफ़ द वाटर इज़ कम्प्लीटली इवेपोरेटेड। उसको अच्छे से सॉटे करें। टर्मरिक और चिली पाउडर भी मैंने डाल दी है। अभी मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर पाउडर, जो धनिया का पाउडर है, और थोड़ा सा जीरा, विच इज़ माई बेस पाउडर। उसे अच्छे से हम लोग सॉटे करेंगे। अभी सॉटे इट विगरसली। अभी मैं टोमेटो, जो 2 टोमेटोज लिए हैं, उसका पेस्ट मैं डाल लूँगी और इसको भी अच्छे से भून लूँगी मैं। I will add some salt to this mixture because it melts the tomato and blends well with the mixture. So we'll add, this is the perfect time to add the salt. कुछ ही देर में देख सकेंगे कि टोमेटो अच्छे से ब्लेंड हो गया, और वो भी चिपकना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा चिकन एवरेस्ट चिकन मसाला है उसको मैं भी अभी मिक्स कर दिया है इसमें, और थोड़ा सा एवरेस्ट गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। सो टोटली सम 6 मसालाज है वेरे, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड एवरेस्ट चिकन मसाला एंड गरम मसाला। और यह है जो फ्लैट बीन्स है, उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये चेक विद द सॉल्ट। सो आफ्टर 5 मिनट्स इज हाउ इट टर्न्स अप टू बी गाइस। अच्छे से मिला लूँगी। चेक द सॉल्ट, दिस इज अ सोक्ड वन। सो विल गार्निश इट विद सम करी लीव्स, जो वो है करी लीव्स है, और थोड़ा सा धनिए के पत्ते से, कोरिएंडर लीव से हम लोग गार्निश कर देंगे। एंड एट लास्ट वील एड अ डैश ऑफ लाइम, स्क्वीज अ डैश ऑफ लाइम टू गेट अ गुड टैंगी टेस्ट। This is my mini breakfast. I have just added cheese to it and butter to it. So that's it. अभी मैं बनाने जा रही हूँ जॉन का प्रोजेक्ट। उसमें फ़ोटो फ्रेम डालना है माय फैमिली की, और ये पॉट डेकोरेट करना है। दोनों को मैंने बेस कलर ब्लैक कर दिया है, और ये सब डेकोरेटिव सामान है जो वी हैव टू यूज़ दोज डेकोरेटिव थिंग्स, एंड वी हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ एमसील, अ पुटीन काइंड ऑफ अ थिंग। सो लेट्स स्टार्ट।
वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जी अब बज रहे हैं 7 o'clock इन द इवनिंग और मैंने आपको दिखाया था कि मैंने वो राजमा जैसा वो क्या होता है उसका नेम मुझे मालूम नहीं, उसका ग्रेवी बनाया है, लंच खाया है, कॉफ़ी पिया है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता। एंड वी आर एक्साइटेड। जॉन, आर यू एक्साइटेड? I'm excited to eat pasta. Okay, so I don't have all the ingredients like oregano, chili flakes or all these things. But I have mayonnaise and cheese on the I will make the puree of tomato by myself in my own style. So jure rahiye, if you have veggies, I don't have veggies also. So dekhte hai kaise hota hai, hope it turns up good. And yahi hai mera this thing. So preparation 7 o'clock because we feel hungry at that time. So come, let's make pasta. Yes. तो एक पैन में हम लोग वाटर बॉईल करके जो रॉ पास्ता है उसको डाल दिया है टिल इट कम्प्लीटली सॉफ्टन्स। वी विल बॉईल इट सम 7 to 10 मिनट्स। इसे तेल लिया है, दिस इज द चॉप्ड गार्लिक। मैंने एक टमाटर कट करके डाल दिया है और उसको अच्छे से सॉटे करेंगे टिल इट मेल्ट्स एंड वी ऐड सम सॉल्ट टू इट सो दैट मेल्ट्स फास्टर। आफ्टर सम 2-3 मिनट्स वी विल सी। मैंने थोड़ा मशरूम भी डाल दिया, सुबह का बनाया हुआ जो मेरा मशरूम था ग्रेवी वो भी थोड़ा था। तो पास्ता इज़ रेडी, कम्प्लीटली बॉयल हो चुका है अच्छी तरह से। तो मैं ये ग्रेवी में डाल दूँगी और थोड़ा सा फ्लेम ऑन कर दूंगी। थोड़ा सा टर्मरिक और चिली पाउडर मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा चिकन पाउडर भी डाल दिया था विथ सम गरम मसाला। सो दिस इज़ द टेक्सचर दैट यू गेट। विल सॉटे इट, वी ऐड सम टोमेटो केचप टू इट टू गेट अ रिच फ्लेवर एंड विल सॉटे इट। नाउ द रिच फ्लेवर इज कमिंग आउट, ओजिंग आउट। आई डोंट हैव ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स राइट नाउ, so if you have oregano or chili flakes you can add it to this, it will enhance the flavor and the texture and the taste as well. So we are serving it in a glass bowl. My son is waiting to have, and this mushroom will add more of nutrient to the pasta. We are adding some pepper and salt. Now I'll add some veg mayonnaise to it to enhance the taste. If you have cheese you can shred it. Are you enjoying it? Enjoying it, it's very nice. Tasty? Tasty and yummy, yummy. Now it's time for me to have my evening coffee. Yes. गाइस, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? डोंट फॉरगेट, इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।